दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जिस दिन का इंतजार हर आईपीएल फैंस कर रहे थे वह दिन आ ही गया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन का दिन आ गया है, जहां सभी फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी दुबई पहुंच चुके हैं और इस बार के आईपीएल के ऑक्शन के लिए सभी टीम की फ्रेंचाइजी ने अच्छा खासा तैयारी भी की है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग की टीम भी ऑक्शन में प्रबल दावेदार होने वाली है, क्योंकि इस बार ऑक्शन में धोनी भी दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में इस बार का ऑक्शन खास तो होने वाला है, तो पूरी खबर बताएंगे कि ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग कौन से खिलाड़ी को टारगेट करने वाली है, आईपीएल 2024 का ऑक्शन कहां देख सकते हैं, कितने बजे से शुरू होगा और चेन्नई सुपर किंग के पास कितनी पर्स वैल्यू है। तो चेन्नई सुपर किंग की कंप्लीट स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हर जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2024 का मिनी ऑक्शन इस बार भव्य तरीके से होने वाला है, जो कि पहली बार आईपीएल का ऑक्शन भारत से बाहर हो रहा है, जो कि दुबई में होने वाला है। ऐसे में सभी खिलाड़ी ऑक्शन के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। वहीं आईपीएल 2024 ऑक्शन का बात करें तो आईपीएल ऑक्शन के लिए 333 खिलाड़ियों के नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन टीमें इनमें से केवल 77 खिलाड़ी ही खरीद सकते हैं। वहीं इस बार आईपीएल 2024 का ऑक्शन सुबह 1 बजे से शुरू होगा, जिसे आप जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। अब बात करें चेन्नई सुपर किंग की पर्स मनी को लेकर, तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के पास 31.4 करोड़ का पर्स मनी रहने वाला है। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग के टारगेट प्लेयर्स को लेकर बात करें तो इस बार आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में कुल 10 खिलाड़ियों को टारगेट करने वाली है। तो सबसे पहले खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वह है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के शानदार ऑल राउंडर है, जो की शानदार ओपनर बल्लेबाज है और स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए एक परफेक्ट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, क्योंकि चेन्नई के पिच पर स्पिनरों का दबदबा रहा है। जिस प्रकार से ट्रेविस हेड अपनी तकनीकों के साथ गेंदबाजी करते हैं और जैसा यह आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, अगर यह चेन्नई सुपर किंग की टीम में शामिल होते हैं तो चेन्नई सुपर किंग का चैंपियन बनना तय माना जा रहा है। इसलिए आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग की टीम ट्रेविस हेड को अपने टीम में शामिल करना चाहती है। वहीं अब अगले खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वह है मनीष पांडे, जिसे आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में चेन्नई टारगेट करती हुई नजर आने वाली है। अगर मनीष पांडे की बात करें तो यह बेहद ही टैलेंटेड खिलाड़ी है और यह भारतीय बल्लेबाज है। हालांकि मनीष पांडे की परफॉर्मेंस की बात करें तो थोड़ा सा इनको सुधार की आवश्यकता है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग की टीम में आते ही धोनी की मेंटरशिप में इनका परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो इसलिए इस बार आईपीएल 2024 में निश्चित तौर पर मनीष पांडे सीएसके की तरफ से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं अब तीसरे खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वह है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क की बात करें तो यह आईपीएल में काफी समय के बाद अपनी वापसी कर रहे हैं। ऐसे में मिचेल स्टार्क का डिमांड हर टीम में होने वाला है, क्योंकि यह एक कमाल के गेंदबाज हैं और इसी वजह से आईपीएल 2024 के ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी भी हो सकते हैं। वहीं ऑक्शन में मिचेल स्टार्क के पीछे चेन्नई सुपर किंग के अलावा अन्य बड़ी टीम भी जाने वाली है, इसलिए चेन्नई सुपर किंग की टीम इनके लिए पहले से ही रकम तैयार करके रखी हुई है। इसलिए इस बार के ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को चेन्नई सुपर किंग की टीम में जाते हुए देख सकते हैं। वहीं अब चौथे खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वह है रचिन रविंद्र, जो कि बेहद ही बेहतरीन युवा ऑल राउंडर है। यह एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, जिसका जलवा हमें वर्ल्ड कप के दौरान देखने को मिला था और इसके पीछे निश्चित तौर पर आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग बोली लगाते हुए नजर आने वाली है। वहीं अब पांचवें खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वह है कार्तिक त्यागी। यह एक भारतीय गेंदबाज है, जिसके पीछे चेन्नई सुपर किंग की टीम जाने वाली है, क्योंकि दीपक चाहर का कोई ठीक नहीं रहता है कब वह इंजर्ड हो जाए। ऐसे में उस टाइम पर चेन्नई सुपर किंग को एक भारतीय गेंदबाज चाहिए, कार्तिक त्यागी उनके जगह पर गेंदबाजी कर सकते हैं, इसलिए चेन्नई सुपर किंग की टीम कार्तिक त्यागी को टारगेट करने वाली है। वहीं अगले खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वह है गेराल्ड कॉटजी। आपको यह बता दें कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन में गेराल्ड कॉटजी को निश्चित तौर पर अपने टीम में शामिल करने वाली है चेन्नई सुपर किंग। वहीं अब अगले खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वह है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर की बात करें तो यह गेंदबाजी में तो कमाल दिखाते हैं, लेकिन अब यह बल्लेबाजी में भी अच्छा करने लगे हैं। वैसे भी चेन्नई सुपर किंग के यह पहले से ही हिस्सा थे और इनका प्रदर्शन हमेशा से चेन्नई सुपर किंग में अच्छा रहा है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग की टीम आईपीएल 2024 में इनको टारगेट करती हुई नजर आने वाली है। वही दोस्तों, अब आठवें खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वह है वानिंदू हसरंगा। इनकी बात करें तो यह कमाल के स्पिनर हैं और इसके अलावा यह बल्लेबाजी में भी कमाल दिखा सकते हैं। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग वानिंदू हसरंगा के पीछे जाने वाली है। वहीं अब दसवें खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वह है क्रिस वॉक्स, जो कि एक बेहतरीन ऑल राउंडर है इंग्लैंड के, और यह चेन्नई के पिच पर बेहद ही कारगर साबित हो सकते हैं, इसके अलावा बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है 10 ऐसे बड़े खिलाड़ी जिसके पीछे चेन्नई सुपर किंग की टीम आईपीएल 2024 के ऑक्शन में निश्चित तौर पर जाने
आने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन 10 खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ियों को चेन्नई सुपर किंग की टीम को टारगेट करना चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।